प्लस प्राचीन काल से ही आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। पूरी दुनिया में गंभीर से गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए प्राचीन काल से ही भारतवासी आयुर्वेदिक औषधि का इस्तेमाल करते रहे हैं। आयुर्वेद में वनस्पतियों के विविध स्वरूपों का प्रयोग चिकित्सा के लिए उपयोग किया जाता है। यूं तो भारत में बहुत सारी वनस्पतियां अथवा जड़ी बूटियां हैं जो विभिन्न रोगों के उपचार के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। प्रत्येक वनस्पति औषधि का अपना एक अलग ही महत्व है। दरअसल आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी औषधि की जो खेत खलियानों या खाली मैदानों में पाया जाता है। उसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में घमरा कहते हैं, लेकिन आयुर्वेद में उसे भृंगराज के नाम से जाना जाता है। यह कोई साधारण पौधा नहीं बल्कि एक औषधि पौधा है जो बरसों से आयुर्वेद में औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन जानकारी के अभाव में लोग इसे खरपतवार समझ कर नष्ट कर देते हैं। आयुर्वेद के जानकार बताते हैं कि आयुर्वेद में भृंगराज को केशवराज कहा। मेरा नाम डॉक्टर आकांक्षा दीक्षित है। मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिवगढ़ में चिकित्सक के पद पर तैनात हूँ। मैम, भृंगराज एक औषधि के रूप में लोग प्रयोग करते हैं, क्या है इसके उपयोग और क्या है इसका महत्व? भृंगराज का बहुत ज्यादा यूज होता है, इसको केशराज भी कहते हैं, लोकल लैंग्वेज में इसे घमरा भी कहते हैं लोग। ये पहाड़ों में नदी के किनारे यहाँ मिल जाता है। इसका आप बालों के लिए कलर करने के लिए यूज कर सकते हैं, किसी के बाल झड़ रहे हो, डैंड्रफ हो, उसमें यूज कर सकते हैं। इसमें एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल तत्व मौजूद होते हैं जिनका यूज करके बहुत सारे आयल बनाए जाते हैं। इसकी पत्तियों को पीस के भी ऐसे बालों में लगाया जाता है ताकि बाल सुंदर हो, अच्छे हों।